तो एक तरफ शिवसेना के लिए शिंदे गुट और ठाकरे परिवार का घमासान चल रहा है, पार्टी किसकी होगी, सुप्रीम कोर्ट जब फैसला सुनाएगा तो किसे असली शिव सैनिक माना जाएगा, इस केस पर पूरे देश की नजर है। ऐसे में महाराष्ट्र में एक नया विवाद भी छिड़ गया है। फांसी के 7 साल बाद एक खूंखार आतंकी पर बवाल खड़ा हो गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि मुंबई के बड़ा कब्रिस्तान में आतंकी याकूब मेमन की कब्र के पास मार्बल और लाइट्स लगाई गई। बीजेपी नेता राम कदम ने ट्वीट कर हमला बोला और उद्धव ठाकरे पर सवालों की बौछार कर दी। उधर फारूक अब्दुल्ला की पार्टी के नेता ने विवाद को नई हवा दे दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर ने आतंकी याकूब को हीरो बता दिया। इस बयानबाजी के बाद जबरदस्त सियासी हंगामा शुरू हो गया है। मुंबई से एक एक डिटेल आपको सबसे पहले बताएंगे। एक इसी पूरे मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। TV9 भारतवर्ष की खबर का असर हुआ है। याकूब मेमन कब्र विवाद की जांच की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने जारी किए हैं जांच के आदेश। मुंबई में याकूब की कब्र को सजाने पर दरअसल विवाद खड़ा हो गया था और उसके बाद अब ये आदेश दिए गए कि इस पूरे मामले की जांच की जाए। इस पर राजनीति भी अपने चरम पर है इस वक्त। यहाँ ये डॉर्पर नामक एक अच्छी नस्ल की भेड़ को पालते हैं। पाल कर हर साल 40 से 50 लाख कमाते हैं। आपको भी करना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देखिए ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। याकूब की कब्र की पहले की तस्वीर देखिए और उसके बाद अभी जो हाल ही में तस्वीर ली गई है वो देखिए। बाद में कैसे मार्बल लगा दिया गया, यहाँ पर LED लाइट लगाई गई थी। हालांकि अब विवाद होने के बाद LED लाइट को हटा लिया गया है, लेकिन पहले की कब्र की तस्वीर किस तरह की थी और उसके बाद कैसे मार्बल लगाकर लाइट लगाकर इस पूरी कब्र के आसपास मजार बनाने की कोशिश की जा रही थी, ऐसा साफ तौर पर दिखाई देता है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हैं इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ राम कदम मौजूद हैं जो बीजेपी नेता हैं और हमारे साथ मनीषा कायंदे मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं शिवसेना की। मनीषा, एक बड़ा सवाल जरूर है, हम साफ तौर पर दो तस्वीरें देख रहे हैं, एक तस्वीर जो पहले की तस्वीर है और एक दूसरी तस्वीर जो अभी हाल ही की तस्वीर है जिसमें मार्बल लगा है, लाइट लगाई गई थी। ये क्यों ना माना जाए कि ये करने दिया जा रहा था और ये सोच समझ कर किया जा रहा था, इस तरह से महिमा मंडन करना याकूब मेमन का और सरकार कुछ नहीं कर रही थी, तो बीजेपी फिर जो आरोप आप पर लगा रही है वो आरोप तो सही साबित होते हैं। शहनाज, शायद आपका नाम शहनाज है? सुमेरा। आप मुझे बिना इंटरप्शन बात करने दे, ऐसे आप मुझे वादा कीजिए। पहली बात तो ये है कि जैसे अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन, एक आतंकवादी, उसके शव को उन्होंने पानी में डुबो दिया। कसाब के भी साथ यही हुआ, उसका भी शव कोई रिलेटिव्स को नहीं दिया गया। तो जब याकूब मेमन, इसको फांसी हुई, अच्छा उसके बाद उसकी बड़ी यात्रा निकली थी, उसकी जो अंत यात्रा, क्यों उस वक्त के सरकार, जिस किसी भी सरकार थी, आपको पता है किसकी सरकार है, तो उसकी अंत यात्रा बड़ी निकली थी, वो किसने परमिशन दी? उसके शव को रिलेटिव्स को सौंपा गया किसके आदेश पर? कहीं से फोन आया था उस वक्त के CM को, किसी का दबाव था तो क्यों दिया गया शव? और जब उस शव को दिया, अब वो बड़ा कब्रिस्तान जो है एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जहाँ एक मुस्लिम ट्रस्ट को वो प्रॉपर्टी कब्रिस्तान के रूप में है, तो वहाँ कोई भी शासन प्रशासन महानगर पालिका का कोई संबंध ही नहीं है। हमारा सवाल ये है कि जिस प्रकार कसाब को हो, याकूब मेमन को हो, इनको फांसी के बाद उनका शव उनके रिलेटिव्स को नहीं दिया गया, तो ये भी नहीं दिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे, उन्होंने ये क्यों होने दिया? ठीक है, आज हमारा ये सवाल है, हमारा आरोप है उनपे। ठीक है, मतलब आप उल्टा आरोप उन पर लगा रहे हैं और उनसे जवाब मांग रहे हैं। यहाँ ये डॉर्पर नामक एक अच्छी नस्ल की भेड़ को पालते हैं, पाल कर हर साल 40 से 50 लाख कमाते हैं। आपको भी करना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।